हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। ग्रामीण विकास विभाग बिहार की तरफ से फ्रेंड्स एक नया आ चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2019 का, यानी आज का अपडेट है। इसके रिगार्डिंग में फ्रेंड्स मैंने दो वीडियो पहले अपलोड किया है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कौन डेट में किया हूँ। एक किया हूँ 24 जून और एक किया है 28 जून। ये दोनों वीडियो मैंने अपलोड किया था, इसका पूरा दिखाया हूँ मैं नोटिफिकेशन की क्या क्या इसमें आपका पोस्ट है, कितना सैलरी है और बहुत कुछ बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें जो है आपको आवेदन का जो डेट था लास्ट वो था 5 जुलाई तक। ठीक है, लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग को जो है ऑनलाइन आवेदन का डेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, और फ्रेंड्स उसमें एक और बात ये है कि जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं उनको जो है फिर से आवेदन करना, इसलिए मैंने यहाँ पर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर मेरे थंबनेल में मैं लिखा हूँ रीअप्लाई, क्योंकि आप लोग को फिर से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा चाहे आप पहले अप्लाई कर दिए हों। ठीक है, वरना अगर आप लोग दोबारा अप्लाई नहीं कीजिएगा तो आपका जो है लिस्ट में नाम फिर नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग को जो है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं करेगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा फुल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक। और फ्रेंड्स ये जो है बिल्कुल नई भर्ती है, इसका जो है आवेदन अभी भी चल रहा है। ठीक है, तिथि को बढ़ा दिया गया है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है रीअप्लाई फिर से किया जा रहा है, फिर से करने बोल रहा है। ठीक है, और जो इसमें अकाउंटेंट का पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है और बहुत सारे पद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर मेरा देख लीजिए जो कि मैंने 24 जून को अपलोड किया है। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका पूरा अपडेट कि इसका जो आया है आवेदन भरने की तिथि वो लास्ट डेट कब तक है और आपको रीअप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए। और बिहार में जो है MBI और कलर का नया पोस्ट के लिए आया है नया नोटिफिकेशन, जो कि परिवहन विभाग के अंतर्गत आया है बहाली। तो इसका जो है पूरा नोटिफिकेशन जानने के लिए वीडियो को देखिए, मैंने अभी तुरंत इसको अपलोड किया है आधा घंटा पहले, जाके आप देख लीजिए। और बिहार में जो है नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत इंजीनियरों के पद पर नियुक्ति होने वाली है, जो कि बिहार में नहीं भर्ती है। इसका भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि 716 पदों पर भर्ती होने वाली है। ये वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। और सहायक अभियंता के 300 पदों पर बहाली होगी, ये वीडियो भी मैंने डाल दिया, जाके आप देख सकते हैं। और अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर भर्ती है, जो कि सभी प्रखंडों में भर्ती होगी बिहार में, ये भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा अपडेट है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन जो है चालू हो चुका है एक और डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे बड़ा अपडेट है कि मानदेय में आप लोग का जो है बढ़ोतरी किया गया है। ठीक है, पहले तो आप लोग का मानदेय 11,000, अब जो है 16,000 से ज़्यादा मिलेगा आप लोग को मानदेय। और जो लास्ट डेट है वो है 14 अगस्त तक इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और लेडीज़ प्रोवाइजर का फॉर्म भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी कहाँ भेजना है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, तो ये वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग जाके जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको आज का जो ये वीडियो का अपडेट है कि ग्रामीण विकास विभाग में जो आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है वो कब तक है और क्या क्या इसका नया अपडेट है। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट आपको समय पर मिलते रहे ताकि कोई भी अपडेट आपको छूटे नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF जो है, ये जो है मैंने जो 24 जून को अपलोड किया था वीडियो उसमें मैंने इसका पूरा डिटेल्स दे दिया है। ठीक है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को याद ताज़ा हो जाए, अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये PDF है। ठीक है, चलिए आपको हम ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, जहाँ की आपको दिखाने वाले हैं फुल नोटिफिकेशन। तो ये रहा शीर्ष.co.in, यहाँ पर आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, ये जो है सोशल ऑडिट सोसाइटी, यहाँ पर निकला था ये विज्ञापन, देखिए दिखा रहा है। स्पेशल नोटिस इज गिवेन टू कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एनी वैकेंसी अंडर सोशल ऑडिट सोसाइटी प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर 5 जुलाई 2019। जो भी सोशल ऑडिट सोसाइटी के अंतर्गत जो वैकेंसी निकला था, अगर 5 जुलाई तक आवेदन मांगा गया था, जो लोग भर चुके हैं, तो उसके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना ये है कि दे आर रिक्वेस्टेड टू रीअप्लाई। उसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोग फिर से अप्लाई कीजिए। द अर्लियर सबमिटेड एप्लीकेशन इज नो लॉन्गर वैलिड, क्योंकि आपको जो है पहले से जो सबमिट किया हुआ है उसको जो है आपको सबको रिजेक्ट कर दिया गया है। द फाइनल शॉर्टलिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन द फ्रेश एप्लीकेशन ओनली। जो नया शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो जो है जो नया आप आवेदन कीजिएगा उसी में किया जाए, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो भी आवेदन कर चुके हैं तो उसको भूल जाइए, आप लोग को नया अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
अब दिखाते हैं इसका पूरा अपडेट कि आपको जो है डेट बढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में लाल कलर में लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशंस इज 23 जुलाई 2019 टिल 6 PM, यानी 23 जुलाई के शाम 6 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई का लिंक और पूरा PDF आप लोग देख सकते हैं। मैं जो है जो वीडियो डाला था 26 जून को, वो वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो पे आप जैसे ही देखेंगे तो आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा, और उस वीडियो में जो है आपको ऑनलाइन आवेदन का लिंक और पूरा PDF आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं तो फिर से अप्लाई कीजिए, और नहीं किए हैं तो आप लोग फिर से अप्लाई कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।